सो गुड इवनिंग गाइज, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो मॉर्निंग में हमने एज सच निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में कुछ डिसाइड नहीं किया था ऑलरेडी, बिकॉज वी नो दैट कि कहीं भी कोई खास अपॉर्चुनिटी देखने को मिल नहीं रही थी। ठीक है, सेलिंग में थोड़ी बहुत मिली थी बट इतना ज़्यादा श्योरिटी नहीं थी उसके अंदर, राइट। सो एक बार हम लोग अब कल के प्लान के लिए ओवरव्यू ले सकते हैं, बिकॉज कल के प्लान के लिए सेटअप यहाँ पे दिख चुका है, ठीक है, और वो भी फ्रेश है एकदम। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवर द 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है, प्रॉपरली आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरडे के परस्पेक्टिव से है, प्लीज़ तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मार्केट में अभी जो एक रैली यहाँ पे गिरी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपना ये पैटर्न जो है क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है, आप देखोगे मार्केट यहाँ से पूरा ये फॉल हुआ है, देन उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, देन मार्केट नीचे आया थोड़ा सा, देन उसके बाद में एक फ्लो बना ऊपर की तरफ में, राइट। सो ये पूरा एक आपका पैटर्न क्रिएट हो चुका है, ठीक है। नाउ वी वर वेटिंग, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द एरिया ऑफ ये वाला, लाइक जो हमने ये वाला मार्क किया हुआ, राइट, ये वाला एरिया लाइक 0.236 का जो एरिया है वो आपके लिए एज इन बाइंग के परस्पेक्टिव से हम लोग लेके चल रहे हैं। इफ इन केस मार्केट कल गैप अप होता है देन उसके अंदर वापस से फॉल होता है, उसमें कंफ्यूज मत होना उसके अंदर, बिकॉज यहाँ पे होगा क्या, मार्केट इस एरिया पे आके एक पुल बैक ले सकता है, ठीक है, इस एरिया पे। सो जैसे ही मार्केट इस एरिया पे पुल बैक लेगा, हम लोग यहाँ पे ये जो आपका एरिया है 18,440 के नियर बाय जो एरिया है उसमें अपना एक बाइंग जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ इन केस मार्केट, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार यहाँ पे रिस्क अवॉर्ड रेशियो भी लगा लेता हूँ इस एरिया पे, सो दैट कि आप एक बार क्लियर हो जाओ। यहाँ पे लॉन्ग के परस्पेक्टिव से ये एरिया रहेगा, बहुत ही इफेक्टिव एरिया रहेगा ये वाला, ठीक है, और इसका टारगेट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। टारगेट इसके समवेयर अराउंड जो होंगे वो आपके रहेंगे 566 के अराउंड, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है, हार्डली 40-50 पॉइंट्स का एसएल है इस एरिया पे, ठीक है, और इसका रेशियो 1:3.5 के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। तो ये सेटअप रहने वाला है नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर। सो वी विल वेट फॉर दिस, यू नो, दिस कैंडल, हम लोग को वेट करना है इस कैंडल 6 के यहाँ पे आने का, विच इज 18,440। यहाँ ये जो एरिया है वो आपका नेक्स्ट बाइंग एरिया हो सकता है, ठीक है, बिकॉज अभी तक में टेस्टेबल नहीं हुआ है इस एरिया पे, और यहाँ पे ब्लॉक ऑर्डर्स हो सकते हैं आपके, बिकॉज सडन एक मूव बहुत शार्प मूव आया और यहाँ पे इसने प्रीवियस अपने स्ट्रक्चर को ब्रीच कर दिया है, ठीक है। सो विच इज वेटिंग फॉर दिस एरिया टू बी ट्रिगर्ड फॉर द यू नो फॉर मंडे, राइट, तो मंडे को हमको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात कर ले, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में हो रही है, एंड बैंक निफ्टी की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सो बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे एक बार आते हैं, और देखो बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी सेम यही चीज़ है, डेट कि मार्केट के अंदर आपका ये जो एरिया है, लेट्स फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आई गेस ये मॉर्निंग में मार्क करके रखा हुआ था, एक बार वापस से देख लेते हैं। ये एरिया आई गेस कल के लेवल्स के लिए ही मार्क्ड था, राइट, बट हम लोग इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं। जो हमारा मंडे वाला लेवल है, मंडे में कहाँ तक में बाइंग हम लोग देख सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सी मंडे में हम लोग को बाइंग समवेयर अराउंड आपका जो ये टॉप है इसी के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपके बाइंग ऑर्डर्स की, सो बाइंग ऑर्डर समवेयर अराउंड 43,446 के नियर बाय हो सकते हैं, ठीक है, और ये पूरा का पूरा इंटरडे के परस्पेक्टिव से है, राइट, ये पूरा का पूरा इंटरडे के परस्पेक्टिव है। मेक श्योर दैट मार्केट जो नीचे की तरफ में आएगा वो आपका स्लो बेसिस पे आना चाहिए, ठीक है, बहुत ही स्लो आना चाहिए, इट शुड नॉट फॉल लाइक अ फॉलिंग नाइफ, ठीक है, जो एक होता है ना कि गिरता हुआ बहुत पूरा एक मार्केट जब गिर रहा होता है रेड रेड मोमेंटम कैंडल से, वो वाला नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्लो, ठीक है। तो अगर इस स्लो पेस में मार्केट इस एरिया में ट्रिगर करता है, डेफिनेटली यहाँ से एक पंप अप देखने को मिल सकता है, और बहुत ही अच्छा पंप अप देखने को मिलेगा, और इसका नेक्स्ट जो रैली बनेगा वो बहुत ही शूट अप वे में होगा, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली अभी बाइंग परस्पेक्टिव से, बट इफ इन केस मार्केट कल मंडे के दिन गैप अप हो जाता है, तो मंडे के दिन अगर गैप अप होता है, ठीक है, इफ इन केस मंडे के दिन मार्केट गैप अप होता है, सो मार्केट को हम लोग समवेयर अराउंड इस एरिया पे अपने सेल के परस्पेक्टिव से ही देखेंगे, राइट, समवेयर अराउंड इस एरिया पे हम लोग सेल के परस्पेक्टिव से देखेंगे मार्केट को, अगर यहाँ पे आता है, और यहाँ पे हम लोग को इस एरिया पे एक लोअर लोस के बनने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। कंसोलिडेट करके अगर मार्केट लोअर लोस क्रिएट करे तो बहुत ही बेस्ट टाइम रहेगा उसको सेल करने का, ठीक है, और एसएल बहुत ही छोटा रहने वाला है, इसके ऊपर जैसे आपका बफर में आपका एसएल रहेगा, और यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है या फिर मार्केट यहाँ कहीं बीच में सेंटर में ओपन होकर मार्केट रिट्रेस कर देता है इस एरिया को, तो इस एरिया पे आपका बाइंग ट्रिगर होगा, बट मेक श्योर ये आपका स्लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, एंड अब बात कर लेते हैं एक बार आपके जो आज के स्टॉक में डिस्कस किए थे उसके बारे में। तो आज के स्टॉक में हमारे पास में टाइटन था, जो हमने टाइटन में देखा था, तो टाइटन को एक बार हम लोग चार्ट वाइज देख लेते हैं।
सी टाइटन में जो चार्ट हमने प्रिपेयर किया था ओवर द 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम पे था, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये मोमेंट देखने को मिला। जब हम लोग मार्केट में बात कर रहे थे तब आपका स्टॉक समवेयर अराउंड 2576 के आसपास चल रहा था, और वहीं पे मार्केट ने इस एरिया पे, जब हम लोग मार्केट देख रहे थे तब मार्केट इस एरिया पे समवेयर अराउंड ट्रेड कर रहा था। देन वी हैव डिसाइडेड कि मार्केट इस एरिया पे जो है मार्केट जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक थे ऑलरेडी, और इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था कि सडनली इस पॉइंट से 2575 से लेके और आपका मार्केट 50 पॉइंट तक का रैली यहाँ पे कर चुका था, राइट। सो नाउ वी आर जस्ट वेटिंग कि मार्केट यहाँ से आपका क्या हो सकता है, कुछ इस वे में अब दिख सकता है, ठीक है। लेट मी मेक द स्ट्रक्चर देयर, ओके। सो मार्केट अब आपका किस वे में दिख सकता है, कुछ इस वे में, राइट। मार्केट हो सकता है एक बार रिट्रेस वापस से कर ले, देन उसके बाद में शूटअप, ठीक है। आप शूटअप में देखना नेक्स्ट मार्केट इस एरिया पे स्टक होगा जहाँ पे मार्केट ओल 3 बार फॉल हो चुका है, ये वाला एरिया देगा विच इज 2667 के अराउंड का, राइट। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा अपसाइड भी है, और ये कम से कम 4% के अराउंड रहने वाला है मार्केट इस एरिया के आसपास में, ठीक है। सो आप लोग को ये टाइटन का ट्रेड आई होप समझ आ गया होगा, ऐसे ही काफ़ी सारे ट्रेड्स हम लोग डिस्कस करते हैं, बिकॉज मेरा पॉइंट है कि आप लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है। और सारे प्रोसेस सेम ही चल रहे हैं, अब हम लोग फोकस कर रहे हैं आपके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप लेके चलें, ठीक है। और अगर आपको बहुत डीपली इसको जानना है तो आप हमारे एडवांस प्राइजेशन कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं, कि दोज गाइज वो आर कीनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सो यू कैन लेट अस नो, एंड वहाँ पे आप चाहो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, और हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपसे कॉन्टैक्ट भी कर लेंगे। एंड चाहे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है उसमें भी आप डायरेक्टली जाके उस पर सर्च आउट कर सकते हो, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।